स्कूल करियर एंड गाइडेंस इन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है सो so, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें उनके अथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं दे राइट आर्टिकल्स और एडवाइस कॉलम्स फॉर पब्लिक कंजम्शन एंड दे आर बींग इंटरव्यूड बाई द जर्नलिस्ट सो दे आर वेरी मच इन टू द मीडिया दीज डेज एंड एज कंपेयर के हम आज से दस साल पहले की बात करें जब हमें कोई साइकोलॉजिस्ट किसी एज ए जर्नलिस्ट किसी के साथ कोई इंटरव्यू करते हुए दिखाई नहीं देता था उसका कोई कॉलम कभी नहीं छपता था आज हर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स के बाद uh, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जो उसकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर इम्प्लीकेशन के ऊपर बात कर सके वो सोसाइटी के इन डायनामिक्स को छेड़ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी क्यों इन चीज़ों की तरफ जा रही है सो दे आर ऑल द टाइम पार्ट ऑफ द मीडिया दीज डेज इंटरव्यूज विद रिपोर्टर्स Now, uh, for there are the few important things which need to be considered about an interview with journalist. जब भी किसी psychologist के पास एक journalist interview करने के लिए आता है, one need to be mindful about the following points. Journalists have a control over what actually gets through to the public. अब आप जो भी बात as a psychologist करेंगे, journalist के पास इस चीज का control है कि वो उसको किस तरीके से लिखेगा और वो public के सामने उसे कैसे present करेगा. आपकी बात के छोटे छोटे क्लिप्स को डिफरेंट क्वेश्चन के साथ अटैच करके पोस्ट कर दिया जाए तो वहां पर भी बात का एक्चुअल मीनिंग और कंटेंट जो है वो चेंज हो सकता है दिस इज वेरी मच इन देंड ऑफ दर्नलिस्ट वो आपके आंसर्स को किस तरीके से डिस्प्ले करता है

कर सकते हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जर्नलिस्ट के साथ डिस्कस करके एक अच्छे आंसर देकर उसको अगर पब्लिक किया जाए तो दैट वुड बी वेरी नॉलेजेबल इन द पब्लिक फोरम और वो उससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं नाउ गेस्ट अपियरेंसेस एज यू नो दट दीज डेज गेस्ट अपीरेंसिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इंटरव्यू लाइव और आयर ऑन टी वी एंड रेडियो स्पेशली जब कोई स्पेशल मेंटल हेल्थ डे होता है उस वक्त तो आपको हर चैनल पर डिफरेंट साइकोजस्ट दिखाई देते हैं बल्कि कई प्रोग्राम्स का एक रेगुलर फीचर होता है कि वो अपने प्रोग्राम में एक साइकोलॉजिस्ट को जरूर बुलाते हैं दिस फॉमेट कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड एजुकेशनल इंटरचेंजेस सच एज गेटिंग कट ऑफ टू द पॉइंट वॉज फोली मेड और बींग

लेकिन टेक्निकली एज़ पर द सब्जेक्ट उनका मतलब कुछ और होता है जैसे वो हर एक को आ, लेबल कर देते हैं कि जी आप डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें या आप जो है वो स्किस के बारे में बात करें अब डिप्रेशन जो है इट हैज़ मेनी लेवल्स इट हैज़ मेनी कॉन्स एंड फॉर्म्स एंड मोड डिसऑर्डर्स में आप डिप्रेशन को कई फेजेस में देख सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट एंड सट्रिस्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है आ, वो उनको नहीं पता होता तो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम एट टाइम्स Then popular publications created by mental health professionals. Mental health professionals have a more respective audience, given the pervasive fascination with mental and emotional issues and self-help. Of course, लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बातों को देखना चाहते हैं। बहुत सारे psychologists, as motivational speakers भी काम करे होते हैं। By the way, बहुत सारे motivational speakers भी as psychologist काम करे होते हैं। This is uh, in in a way not correct. बट uh, चूंकि लोग जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं चीज़ों में अपनी लर्निंग और ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो साइकोलॉजी uh, के पर्सोनल्स को अप्रिशिएट uh, करते हैं अगर वो उनको सुन सकें इन अ केस ऑफ अ सेल्फ हेल्प बुक बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं कि आप डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं ऑफन कंज्यूमर्स आर गिवन इंस्ट्रक्शन एंड हाउ दे कैन सॉल्व देयर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और मैनेज देयर लाइफ्स तो uh, इस सिचुएशन में जनरली um, वो बुक्स जो हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस uh, तो दे देती हैं बट दे कैन नॉट प्रोवाइड यू द कंप्लीट प्रोसेस थ्रू विच गोइंग थ्रू अ पर्सन कैन बिकम अ बेटर पर्सन लाइक दे डोंट प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम टू सस्टेन थ्रू प्रोसेस टू करेक्ट एरर क्लैरिफाई मिस अंडरस्टैंडिंग्स एंड डायरेक्शन और एलिट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फॉलोइंग द प्रोग्राम सो दिस इज द लिमिट जहाँ पर हम एक सेल्फ हेल्प बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोबेबली आपको इंस्ट्रक्शन तो दे रही है मगर आप उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे सो इन इस सिचुएशन में uh, जो है वो सेल्फ हेल्प बुक लिमिट करती है एज कम्पेयर टू लर्निंग एंड लिसनिंग टू अ पर्सन हु कम्स एज अ गेस्ट इज बीइंग इंटरव्यूड बाय अ जर्नलिस्ट तो वो सिचुएशन शायद एक लर्नर के लिए ज़्यादा बेहतर होती है